वेल, आप एक यूट्यूबर हो, आपने धनाधन सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल लिए, धनाधन टीडीएम खेल लिए, फिर आप आते हो सोलो मैच में और आपने कहा भाई एक बंदा मिलेगा इजली इस तरीके से मारूंगा, और आप अपना कंटेंट ढूंढने की पूरी पूरी तलाश में दिख मतलब लग रहे हो, और उसी वक्त आपने सोचा भाई एक बंदा होगा तो मैं कुछ इस तरीके से मारूंगा, आपके दिमाग में ये वाली फीलिंग चल रही होती है पूरी पूरी। तेरा बाप आया। हाँ थम जाओ चाचा, ये मेरे भी चल रही थी बट इस गाड़ी ने सब कुछ चूर चूर कर दिया। कैसे? तो वो देखो ऐसे। भाई तुम्हारा तो नहीं पता भाई, सच में मैं तो टीम अप ही करूंगा। अमेरिका का दलाल बहनचोद। खैर क्या ही कर सकते थे अब, मतलब होता है यार, सोलो मैच में तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, बहुत बार हुआ होगा। खैर ऐसे छोटे मोटे सीन तो होते ही रहते हैं। तो हाय गाइस, इट्स मी प्यारा गेमर वाईटी, और भाई आज अपन जा रहे हैं ये विलेज के पास वाली जगह पे। मुझे नहीं पता इस जगह का प्रॉपर नाम क्या है, बट इसी जगह का पहली बार तो कोई प्रॉपर नाम ही नहीं है, बट आज हम लोग यहीं पे जा रहे हैं। और वेल, आप लोगों मेरे को स्टार्टिंग की क्लिप बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। अब ये गेम प्ले देखो और इन्जॉय करो, और क्या बोल सकते हैं यार। अब भाई देखो, उतरते उतरते मैं तो सब पहली बार तो एक ही चीज़ ढूंढता हूँ, जो कि है गन। ऑब्वियसली भाई सभी लोग ढूंढते हैं, वेल गन ढूंढते ढूंढते मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अपन लोग केवल एक सब्सक्राइबर कम है, 300 सब्सक्राइबर होने में, तो बस करा दो यार, ठीक है। अब वेल देखो, हम लोग अब उतरे हैं और एक अब बंदे हैं जो कि अब उतर रहे हैं, मतलब हम लोग कब के उतर चुके हैं, ये लोग अब उतरे हैं, और मेरे को तब तक स्कार भी मिल जाती है, तो बस अब तुम लोग जलवे देखो। वेल मैं इस बंदे के पीछे पड़ जाता हूँ और अच्छा खासा डैमेज भी दे दिया था, ऑलमोस्ट 90%, बट अब तुम देखो बस, मतलब यार किल नो वाले गया, हद है यार, मतलब तुम लोग डैमेज दो बस, तुम बस मुंह निकाल के बैठे ही रहो। खैर कोई बात नहीं, इसका टेममेट आएगा, उससे हम लोग काम चलाएंगे, उसका किल अपना आएगा, ये समझ लो। खैर यार बंदे की भी दाव देनी पड़ेगी, क्योंकि भैया UMP9 से इतना ज़्यादा डैमेज देके चला गया। वेल अब मैं तुम्हें बता दूँ, सामने वाले घर पे एक बंदा है, और ये जो तुम्हें इस बंदे की क्रेट में फ्लेयर दिखी नहीं दिखी तो पीछे बैक करके देख लेना, उसने चला दी है यहीं पे, जो जिससे आएगा भाई छोटा हाथी। छोटा हाथी मतलब वही क्या, एक अजीब सी गाड़ी आती है, मुझे उसका नाम तक नहीं पता है यार, BRDMs, हाँ BRDM बोलते हैं शायद। अब सामने वाले घर में एक बंदा है, अब हम लोग उस पर पुश करने के लिए जा रहे हैं, और तुम बस देखो वो कौन निकलेगा। खैर ये तो अपने बॉट भैया मिलते हैं, तो बस बजा दिए। वेल मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था कि इस बंदे ने एक फ्लेयर चलाई थी, और भाई फ्लेयर में निकलेगा छोटा हाथी, मैं तो भाई इससे पहली बार छोटा हाथी बोलता हूँ। तुम लोग BRDM ERDM बोलते होगे, तुम्हारी बात अलग है, हमारी बात अलग है, क्योंकि भाई हम सस्ते खिलाड़ी हैं और तुम महंगे खिलाड़ी हो। वेल अब BRDM आई है, तो भाई चलो बंदों पे रश करने के लिए चलते हैं, क्योंकि भाई किल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से, तो बस चलो। अब वेल भाई हम यहाँ पे आते हैं, तो भाई यहाँ पे कतई भसड़ मची होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। मुझे एक नॉक बंदा मिलता है, मैं इसे कुचल देता हूँ, एक किल और अपना, और बस अब यहीं पे BRDM घुमाता हूँ। मैं सोचता हूँ भाई थोड़ा मतलब इधर उधर BRDM घुमा लो, बंदे की लोकेशन पता चल जाएगी। तो पहले तो भाई हम लोगों के पास एक आएगा मस्त एकदम तंगड़ा वाला ग्रेनेड, जो कि आ गया। अब सामने वाले भाई ये हवेली सी दिख रही है, इसमें दो बंदे होते हैं भाई, तो उसमें से एक तो नोवा ने नॉक कर ही दिया था, बट मैं जैसे जा रहा होता हूँ तो मैम में देखो पीछे भी एक बंदा था, तो मैंने सोचा भाई पीछे वाले को मैं भर देता हूँ, क्योंकि वरना पीछे से दोनों को भर दे। तो अब मुझे पता तो चल गया था वो पीले वाले घर में, अभी पता चला है जस्ट, तो अब मैं इस पीले वाले घर में भाई पुश करने के लिए जाता हूँ, और भाई पुश करते समय भाई मेरे को कोई फुट स्टेप नहीं आता, तो मैं नीचे कूद जाता हूँ, बट यार ये बंदा वहाँ पर लेटा हुआ था, तो अब तो दोबारा चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई मारना है ना, तो बस दोबारा चलूँगा और पेलेंगे इसे। वेल भाई मैंने तो यहाँ पे एक ही बंदा पेला, उधर नोवा दो बंदों को साफ कर गया एकदम, मतलब चट कर गया भाई, क्या ही बोल सकते हैं, नोवा इज अ प्रो। वेल अगर आप लोग यहाँ तक गेम प्ले देख रहे हो, तो थोड़ी बहुत तुम्हारे भी फायदे की बात कर लें, फ़ायदे की बात ये है, अगर आप लोग भाई कोई कॉम्पिटिटिव प्लेयर बनना चाहते हो या खेलना चाहते हो, और आपका KD अच्छा खासा है और आप खेलते भी ठीक ठाक हो, वे देरी किस बात की, नीचे कमेंट कर देना कि हाँ भाई हम भी खेलना चाहते हैं, तो भाई अपना एक क्लैन है
स्क्रिंज ऑफिशियल, तो भाई उसमें हम आपको ले लेंगे एंड बस मचाएंगे। खैर यहाँ पे एक बॉट होता है, मैं उसे मार दे, एक नहीं भाई दूसरा भी होता है, तो उसे भी भाई मैं पूरी पूरी मारने की ट्राई करूँगा और देखते हैं कैसे मारेंगे भाई इस बॉट को। खैर भाई बॉट मारा तेज, तुरंत एक गाड़ी आ जाती है पुश करने के लिए और तुम देखो बस लाइक करना इसके लिए। खैर भाई यार 2-4 रुपए की गन चेंजिंग तो भाई मुझे भी आती है, मतलब गन को अदल बदल तो मैं लेता ही हूँ थोड़े बहुत तरीके से। खैर भाई अभी मेरे 7 किल थे और अब दिखा रहे हैं 8, तो सही बताऊँ भाई एक बॉट था जो कि मैंने मार दिया और इस वाले लाल वाले घर में बंदे, तो इन्हें मारना है। और अब तुम देखो अपने भाई के से कुछ सस्ते ग्रेनेड, अब सस्ते क्या यार, मतलब जायरो की वजह से ग्रेनेड भी नहीं फेंकते, देखो बिल्कुल परफेक्ट है और लास्ट टाइम पे इधर आ गया, क्यों, क्योंकि भाई जायरो खेल रहे हैं। खैर अब तुमसे क्या बोलूं भाई के मतलब गेम प्ले में जो मतलब तुम्हारे मतलब वो आ रही होगी, मतलब क्या वो ग्राफिक्स आ रहे हैं जो गेम प्ले में वो थोड़े से लो आ रहे होंगे, क्योंकि यार मैं GFX टूल से खेल रहा हूँ अब और मेरे ख्याल से यार थोड़े से लो कर लेने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बंदों के रियलमी C2 में तो चल रहा नहीं है, इवन भाई मेरे में तो चल भी रहा है। खैर बातों में एक बंदा नॉक कर दिया और बस देखो दूसरे बंदे को भी जस्ट प्रो, मजाक कर रहा हूँ भाई कोई दिल पे मत ले लेना, मैंने मतलब जस्ट मजाक कर रहा हूँ कि मैंने अपने आप को वैसे ही प्रो बोला है, ठीक है। एंड अब आता है भाई ये अपना बॉट भाई, तो इसे भी मार लेते हैं, KD भी मैनेज कर लेनी चाहिए ना इस वजह से। खैर ये जो फायरिंग हो रही है भाई स्टेडियम वाले बंदे बरकत है, कुत्ते इंसान है, अब इनको तो भाई मैंने तुम्हें वो क्लिप नहीं दिखाई है, इन स्टेडियम वाले बंदों ने जिस तरीके से हमें परेशान किया है ना, नेक्स्ट लेवल भाई, तो अब तो पुश करना ही पड़ेगा इन पे। वेल भाई हम स्टेडियम वाले बंदों पे पुश करने के लिए आ जाते हैं और ये बंदा ही को देखो बस, अब देखो मैं इसे किस तरीके से मारता हूँ। खैर भाई स्टार्टिंग के टाइम में तो भाई एम नहीं लगा और इतना ज़्यादा डैमेज इसे अकेले ने नहीं दिया था, उस छत के ऊपर वाले स्टेडियम में मतलब एक और ऊपर बंदा है उसने भी दिया था, तो सीन क्या था उसको तो अपना भाई AWM से पेल देता है नोवा, स्नाइपिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है ये, और ये भी अपना स्क्रिंच का मेम्बर है, तो भाई जिसको भी आना है मुझे बता दो भाई, क्योंकि मतलब तुम समझ ही सकते हो भाई कॉम्पिटिटिव प्लेयर होते हैं, मतलब वो तंगड़े होते हैं थोड़े से, तो वो बनना है तो आ जाओ स्क्रिंच में। अब भाई जो बंदा मैंने अभी अभी नॉक किया था भाई वो रिवाइव हो चुका है और इस जगह पे अब देखो मैंने मॉली कर दी और इज्जत से प्री फायरिंग दे दी, बट भाई मैं अच्छी वाली प्री फायरिंग दे रहा था, पता नहीं नोवा को क्या चुल्ल मची और भाई वो किल चुराने के लिए मतलब भाई वो भी प्री फायरिंग देने लगा, मतलब भाई नोवा यार रहने दिया अगर थोड़ी बहुत किल और हो जाते इस गेम प्ले में, मतलब 17-18 तो एक दो बंदे और आते एक्स्ट्रा, शायद एक दो दो सब्सक्राइबर भी बढ़ते। खैर अभी मेरे पे मतलब हेल्थ नहीं होती है तो मतलब ऐसे ही काम चलाएंगे और बैंडेज वंडेज लगाएंगे और क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। खैर भाई जोन भी आने वाला होता है और मैं यहाँ से निकलने वाला होता हूँ, तब तक देखता हूँ सामने एक बंदा भाई साहब, भाई लाइक नहीं किया तो मुझे नहीं पता सच में तुम कौन सी दुनिया से हो, सच में कौन सी दुनिया, मतलब लाइक करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई दुनिया तो अलग, तुम तो ब्रह्मांड से ही नहीं हो इससे, मतलब लाइक करो जस्ट। अब खैर इसका एक और टीममेट होता है तो मतलब वो तो नॉक नहीं करता बट दूर से कोई और बंदे नॉक कर देते हैं, तो पहले तो भाई रिवाइव चाहिए, ऑब्वियस सी बात है पहले रिवाइव चाहिए ही होगा यार। खैर भाई आखिरी बंदा बच रखा होता है तो उसे तो इजीली पेल ही देंगे, मैं प्रोनेंट शूट देता हूँ एंड बंदा भी प्रोनेंट शूट देता है, खैर बंदा मर जाता है बिकॉज मैंने पहले दिया था और बंदे की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कम थी, दैट्स वाई वो मर गया। एंड होप आप लोगों को बढ़िया लगा ये वाला गेम प्ले, एंड जिसको बढ़िया लगा प्लीज़ लाइक करना शेयर करना एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना अगर न्यू आ रहे हो चैनल पे तो, और भाई जो पुराने बंदे हैं उन्हें अगर सब्सक्राइब मेरे को थोड़ा सा भी सपोर्ट करना है, अगर तुम चाहते हो कि हाँ भाई का चैनल ग्रो हो तो यार ऐसा करो इस वीडियो का लिंक लो शेयर कर दो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में जितने भी बंदे PUBG Lite खेलते हो, तो बस यही था वीडियो, होप बढ़िया लगा।